आज के दिन के हवाले से पोलियो का जो इम्यूनाइजेशन है ये हमेशा से हर साल चलती है और हमारी कोशिश रहती है कि बलूचिस्तान में ख़ासकर और फिर पाकिस्तान में पोलियो के हवाले से अवेयरनेस और इस कैंपेन को हम हर लिहाज से बढ़ाएं, लोगों में भी अवेयरनेस हो ताकि इस पर पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा हो और इम्यूनाइजेशन के इस कैंपेन को ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिले और ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज हो। एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए क्योंकि पिछले एक दो सालों से इसके नंबर्स में थोड़ा इजाफा हुआ और उसके हवाले से एक सिचुएशन अराइज़ है कि हमने इस पर और मज़ीद काम करना है। फेडरल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ मीटिंग्स कंडक्ट की थी जिस पर मैं भी उसका हिस्सा था। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के हेल्थ डिपार्टमेंट और इनके साथ हमारे साथ जो ये पोलियो टीम पूरी है हर जगह अपनी पूरी कोशिशें कर रही हैं ताकि इस चैलेंज को हम इस पर काबू पा सकें और पूरे बलूचिस्तान में इसका स्पेक्ट्रम को सबसे वसी हद तक कोशिश करें कि कवर कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, बलूचिस्तान में हम देख रहे हैं कि अब्दुल्ला और बशीर वो इलाके के जो ज़्यादा मुतासर हुए हैं, पिछले साल 12 केसेज हुए थे, इस साल सिर्फ 2 मामले 2 केसेज हो चुके हैं। स्पेशली फोकस जो इनकारी वालदैन हैं उनके उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होगी? देखिए, एक तो इसके अंदर हालिया में जब प्राइम मिनिस्टर साहब के पास वहाँ मीटिंग हुई थी, बड़ी एक्सटेंसिव मीटिंग हुई और वहाँ पे कुछ चीज़ों पे जो इनके फोकल पर्सन थे उन्होंने कहा था कि शायद अभी तक हम सही फैक्ट्स एंड फिगर्स को सही तरीके से वैल्यूएट भी हम नहीं कर पाए, हमारा कवरेज जो है जिस लेवल तक होना चाहिए वो शायद उस लेवल तक हुआ भी नहीं है। फिर बहुत सारी हेजिटेंसी भी लोगों में है, लोग ख़ुद भी बहुत परसेप्शन एक ऐसा क्रिएट हुआ है जिसकी वजह से लोगों को गलत चीज़ें जहन में डाली गई हैं तो लोग बहुत सारा हेजिटेट भी करते हैं। लेकिन अब इसमें बड़ा सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, अवेयरनेस है, पब्लिक ख़ुद मालूमात हासिल कर रही है तो उसके नस्बत थोड़ा सा बहुत बेहतरी आई है। ख़वातीन हैं, बहुत सारे लोग हैं इंटरेक्ट कर रहे हैं, थ्रू पॉलिटिशंस करते हैं, अपने रेप्स करते हैं, रिलीजियस स्कॉलर्स कर रहे हैं ताकि इसको कवर मैक्सिमम किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जी।